यहाँ पर किस चीज़ की क्लास है ये? सर ये कंप्लीट आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देखने से ही पता चल रहा है कि ये सीसीटीवी कैमरा बिल्कुल जो आजकल की जो डिमांड है। तो सर ये किस चीज की क्लास है सर? सर ये जो है यहाँ पे स्मार्ट टीवी okay. जो टीवी रिपेयरिंग का जो क्लासेस है एलसीडी एलईडी टीवी का, तो यहाँ पे ये क्लासेस चलता है। सर ये सातवीं क्लास किस चीज की है ये चलिए सर से ही जानते हैं। सर यहाँ पर क्या चीज सिखाते हैं? सर ये प्रिंटर का क्लासेस है, जैसे कि आप देखेंगे कि हर एक टाइप का जो भी प्रिंटर है। यहाँ तो क्लास में मैं देख रहा हूँ बिल्कुल अलग चीजें दिख रही है। बिल्कुल सर ये अलग चीज है भी, क्योंकि आजकल की जो डिमांड है मार्केट में आपको पता है कि पेट्रोल डीजल का दाम इतना ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, तो बैटरी से चलने वाला डिवाइस जैसे कि ई साइकिल हो गया, ई बाइक हो गया, ई कार हो गया। तो सर इस क्लास को देख के मेरे मन में एक सवाल आया छोटा सा, अगर कोई भाई इस वीडियो को देख रहे हैं जो घर पे बैठे हुए बिल्कुल फ्रेशर है, अगर वो डेमो के लिए आना चाहते हैं तो क्या पॉसिबल रहता है क्या? 100% हमारे पास तो ये ऑप्शन है कि डेमो तो हम देते ही हैं, okay. हम डायरेक्टली रनिंग क्लास में बैठाते हैं। तो सर बता सकते हैं ये किस चीज की क्लास? सर ये कंप्यूटर जो डेस्कटॉप होता है okay, उसका मदरबोर्ड है okay. तो यहाँ पे जो क्लासेस होती है जैसे कि ये लैब आप देख सकते हैं okay. लेकिन कंप्लीट होने से मतलब नहीं होता, जब तक रिपेयरिंग नहीं आता है तब तक हम क्लासेस कराते हैं, कोई एक्स्ट्रा कोई चार्ज नहीं लगता। तो सर यहाँ पर किस चीज की क्लास लगती है? सर यहाँ पे जो है हमने एसी का जो कोर्सेस जो है वो मैंने बताया कि न्यू लॉन्च किए हैं, तो यहाँ पे एसी की जो है कंप्लीट रिपेयरिंग का क्लासेस कराते हैं। तो सर हमें इस क्लास के बारे में बताइए सर। सर ये जो है मोबाइल का जो क्लासेस होता है जी, जो कि कंप्लीट हम बेसिक से एडवांस जो रिपेयरिंग सिखाते हैं। तो सर इसके बारे में बताइए ये किस चीज की क्लास है? सर ये जो है वो कंप्लीट मोबाइल सॉफ्टवेयर की क्लासेस है। तो सर ये बताएंगे किस चीज की क्लास है? सर हमारे पास जो हमने बताया कि 10 से 12 जो भी कोर्सेस है जी, तो हमारे पास जो स्टूडेंट आते हैं 2 घंटे 4 घंटे के लिए 5 घंटे के लिए, तो क्लासेस जब कंप्लीट हो जाता है तो उनको एक्स्ट्रा टाइम में प्रैक्टिस करने के लिए कहीं ना कहीं स्पेस होना चाहिए। आखिर ये क्लास है तो किस चीज की है सर, बताएंगे हमारे भाइयों को ये किस चीज की क्लास है? सर ये जो है वो कंप्लीट जो है वो बेसिक कंपोनेंट का। सर ये किस चीज की क्लास है यहाँ पर? सर यहाँ पे जो क्लासेस होती है वो कार्ड लेवल की, जैसे कंप्यूटर लैपटॉप के जो चिप लेवल रिपेयरिंग नहीं करना चाहते हैं या चिप लेवल करना चाहते हैं लेकिन बिल्कुल फ्रेशर है, तो वो कार्ड लेवल कोर्स। कार्ड लेवल में हम ये बताते हैं पूरा कंप्लीट बेसिक से। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है समीर और आप देख रहे हैं न्यू गैजेट नगरी। आपके रिक्वायरमेंट आ रही थी सर और आपके कमेंट भी आ रहे थे कि सर मल्टीटेक इंस्टीट्यूट लेकर जाइए, तो मैं आज आपको लेकर आ गया हूँ मल्टीटेक इंस्टीट्यूट। जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि मैं आज आपको मल्टीटेक इंस्टीट्यूट के अंदर दिख रहा हूँ, तो यहाँ पर कौन कौन से इनके सिलेबस होते हैं, ये क्या क्या चीज़ पढ़ाते हैं अपने इंस्टीट्यूट में, कितने टाइम का सिलेबस होता है, और सिलेबस होता भी है तो सिलेबस के साथ साथ क्या हॉस्टल वगैरह की भी फैसिलिटी यहाँ पर मिलती है, तो उसके लिए चलिए टाइम हम बिल्कुल खराब नहीं करेंगे, मिलते हैं यहाँ के ऑनर से, उसके बाद वीडियो कंटिन्यू करते हुए क्लास की तरफ चलेंगे। तो सर आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है, आप अपना नाम बताइए हमारे भाइयों को और आपकी जो ये ब्रांच है ये कहाँ पर है और आप क्या क्या चीज़ें आप पढ़ाते हैं उनके बारे में बताइए सर। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, हमारे साथ में है हमारे समीर सर जिनका न्यू गैजेट नगरी के जो यूट्यूब चैनल है, और ये जो मल्टीटेक इंस्टीट्यूट है सर ये दिल्ली तिलक नगर में है okay. और यहाँ पे हम टेक्निकल कोर्सेज कराते हैं okay. मतलब जो भी टेक्निकल कोर्सेस होता है, अगर हम बात करें कि मार्केट में जो डिमांड है, जैसे अगर लैपटॉप की बात करें, मोबाइल रिपेयरिंग की बात करें, सीसीटीवी की बात करें, एलईडी टीवी की बात करें, ई रिक्शा की बात करें, ई व्हीकल की बात करें, या हमारे जो भी कार लेवल के कोर्सेस हैं, ये ईएमएमसी का कोर्सेस है, ये टोटल टेक्निकल जो कोर्सेस है वो हम यहाँ पे कराते हैं। ये तिलक नगर मेट्रो गेट नंबर के बैक साइड में ही ये इंस्टीट्यूट है हमारा। ओके, तो सर जो जो आप कोर्स कराते हैं वो तो सर आपने हमें बताया, बाकी अगर सिलेबस वाली बात आएगी तो सिलेबस तो आपका काफी लंबा हो जाएगा, तो उसके लिए मैं जो स्क्रीन पे नंबर दे रहा हूँ भाई, आप इस नंबर पे पता कर सकते हैं। सारे भाइयों को रिक्वेस्ट है मेरी, रही ये वाली बात कि आप अगर यहाँ पर नहीं है दिल्ली के अंदर, अगर आप दिल्ली के बाहर से, तो आप सोच रहे होंगे कि इनकी मुझे क्लासेस वगैरह दिख जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, टीचर वगैरह किस टाइप से यहाँ पर दिख जाए तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो हम फटाफट से क्लासेस की तरफ तो रुख करेंगे। बाकी इसके अलावा भी सर से हम बात करते हैं कि सर क्या यहाँ पर अगर कोई भाई बाहर से आते हैं तो क्या वो यहाँ पर रहने वगैरह की कोई प्रॉब्लम वगैरह तो फेस करनी पड़ेगी? इसमें कोई दिक्कत नहीं होता, हमारा खुद का जो है हॉस्टल पीजी है okay. और कम से कम 8-9 है
जैसे वॉकिंग डिस्टेंस पे भी है और किसी को स्पेशल एक रूम चाहिए होता है या होटल की सुविधा चाहिए तो रेस्टोरेंट का भी मतलब हर व्यवस्था यहाँ पे हमारे पास है। जिनका जो रेंज होता है कहते हैं कि हमें मतलब 3000 या 2000 में कहीं मिल जाए उसका भी व्यवस्था हम रखते हैं। किनको 10000 या 6000 या 5000 में हॉस्टल जिसमें खाना पीना रहना सब उसी में इंक्लूड होता है, ये सब हमारे पास है ऑप्शन। तो सर जैसे अभी आपने हमें हॉस्टल के बारे में बताया कि कितने कितने में हॉस्टल मिल जाता है, क्या हमारे भाइयों को कोर्स के बारे में बता सकते हैं कि कौन सा कोर्स कितने का होता है? देखिए जो कोर्सेस है हमारे पास कम से कम 10 से 12 कोर्सेस है और इंडिया में कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं होगा जो इतने मल्टीपल जो है कोर्सेस जो है वो कराता है। जैसे कि आप तो पूरा इंडिया घूमते हैं आपको तो सब कुछ पता है, लेकिन हमारे पास हर एक कोर्सेस में प्रॉपर हम डीपली जो प्रैक्टिकल लेवल की जो ट्रेनिंग है वो हम प्रोवाइड करते हैं। अभी हम लैब देखेंगे जहाँ पे हम ये प्रॉपर जो है लैब का जो है जितने भी टूल्स स्टूडेंट कर रहे हैं जो टूल्स से मशीन है जिसपे हम कराते हैं वो टोटल प्रैक्टिकली होता है। और हमारे पास मोस्टली स्टूडेंट जो होते हैं वो ओवरऑल जो है पूरा इंडिया से और बाहर से आउट ऑफ इंडिया से भी स्टूडेंट यहाँ पे होते हैं। रही बात जो है कोर्स ड्यूरेशन का, तो सबका अलग अलग ड्यूरेशन होता है। जैसे अगर लैपटॉप रिपेयरिंग की बात करें तो वो लगभग 3 मंथ का ड्यूरेशन होता है। मोबाइल रिपेयरिंग का है वो भी 3 मंथ का है। एलसीडी एलईडी टीवी जो है वो 1 मंथ का कोर्सेस होता है। प्रिंटर जो है वो भी 1 मंथ का होता है। सीसीटीवी जो है वो 1 मंथ का होता है। ई व्हीकल जो रिपेयरिंग कोर्सेस है ये भी 1 मंथ का कोर्सेस होता है। अभी हमने नया कोर्स जो लॉन्च किया है वो एसी रिपेयरिंग का, जिसमें 2 कोर्सेस है। एक एसी मैकेनिकल का जो कि इंस्टॉलेशन और सर्विस हो गया, गैस लीकेज ये सब चेक करने के लिए या कहीं लगाना है उसके लिए हो गया। और दूसरा कोर्सेस है जो पीसीबी रिपेयरिंग का, जिसे मार्केट में इस समय इतने ज़्यादा डिमांड है इन्वर्टर पीसीबी रिपेयरिंग का, तो वो कोर्सेज भी हमारा है। तो दोनों कोर्सेज जो है वो 2 महीने का कोर्सेस है। बिल्कुल सर, तो फटाफट से हम टाइम बिल्कुल खराब नहीं करेंगे, तो चलिए फटाफट से चलते हैं क्लास की और देखते हैं वहां पर किस टाइप के आपका इंस्ट्रूमेंट वगैरह मिलने वाले, क्लास किस टाइप की दिखती है, वो सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको देना चाहता हूं। तो फटाफट से जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही एक बेल आइकन बटन भी आ रहा होगा उसको भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको नई कोई भी टेक्नोलॉजी की वीडियो लेकर आता हूं तो आपको वो फटाफट से मिल जाए। तो चलिए चलते हैं। तो सर ये जो मैं क्लास देख पा रहा हूं ये कौन सी क्लास है इसके बारे में बताइए सर। सर ये लैपटॉप का लैब है जहां पे लैपटॉप के रिपेयरिंग की क्लासेस चलती है। जैसे कि आप देखेंगे कि यहां पे हर एक टाइप के जो टूल्स मशीन होते हैं जिस पर हम प्रॉपर कराते हैं, चाहे वो बीजीए मशीन हो, बायस हो, आईओ प्रोग्रामर हो, डीएसओ मशीन हो, सीआरओ हो, डायग्नोस्टिक कार्ड हो, सीपीयू टेस्टर हो, और हमारे ये विक्रम सर हैं जो कि लैपटॉप के क्लासेस जो है वो लेते हैं। तो सर ये जो क्लास अभी आपने बताया मुझे ये कितने टाइम की क्लास होती है? ये जो होती है लैपटॉप का लगभग 45 डेज का जो है क्लासेस होता है। ठीक है, कोई कोई जो जिनको फास्ट ट्रैक में करना होता है वो लगभग 1 महीने में कंप्लीट कर लेते हैं। तो एक रफली छोटा सा एक छोटी सी वे में मेरे को बता दीजिए कि इसके अंदर सिलेबस में क्या क्या कवर कराते हैं लैपटॉप के अंदर? बताइए सर। टोटल सर हमारे पास जो इस सेक्शन के अंदर होते हैं 28 से 30 सेक्शन होते हैं। जी सर। जैसे कि फॉर एग्जांपल वोल्टिन सेक्शन ले लेते हैं, स्टेप डाउन हो गया, बैटरी हो गया, वीआरएम हो गया, वीएस हो गया, और एलवीडीएस हो गया, पीसीएच हो गया, आईओ हो गया, टच पैड हो गया, कीबोर्ड हो गया, बहुत सारे सेक्शन है। टोटल 28 से 30 टाइप के सेक्शन है जो कि इन सारे सेक्शन को हम एक सेक्शन को 4 तरीके से कराते हैं। पहला वोल्टेज लेवल से लेके सिग्नल लेवल तक कराते हैं हम इन सारे चीज़ों को, यानी बेसिक जैसा स्टूडेंट होता है उस अकॉर्डिंग हमें सारा चीज़ें टॉपिक जो है कवर करना पड़ता है। बिल्कुल सर जी, बिल्कुल। तो गाइज आपने यहाँ तो देख लिया कि इनका जो सिलेबस है उसके बारे में मैंने आपको जानकारी की दी, इससे भी अधिक जानकारी चाहिए तो मैंने स्क्रीन पे जो नंबर दिया हुआ है आप उस नंबर पे पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो गाइज अभी आपने देखा मैं मल्टीटेक इंस्टीट्यूट लेकर आया था आपको, यहाँ पर लैपटॉप के अंदर क्या क्या सिलेबस होता है वो पूरी की पूरी मैंने आपको जानकारी दी। फिर भी अगर कुछ छूट गया हो तो स्क्रीन के ऊपर जो मैंने नंबर दिया हुआ है उस नंबर पर आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। बाकी इसके अलावा भी यहाँ पर कई सारी क्लासेस और भी हैं, तो हम वन बाई वन करके सारी की सारी क्लासेस कवर करना चाहते हैं। मैं बिल्कुल भी आपका समय ऐसा नहीं कि मैं एक सेकंड भी आपका खराब करूं, तो चलिए हम दूसरी क्लास के अंदर अब चलते हैं। तो गाइस जैसे कि देख रहे हैं मैं मल्टीटेक इंस्टीट्यूट आपको लेकर आया था, ये है यहां पर सेकंड क्लास, इसके अंदर क्या क्या कवर कराते हैं चलिए हम सर से जानते हैं। तो सर यहां पर किस चीज की क्लास है ये? सर ये कंप्लीट आप देख सकते हैं कि यहां पे देखने से ही पता चल रहा है कि ये सीसीटीवी कैमरा, बिल्कुल जो आजकल की जो डिमांड है घरों में, ऑफिस में, हर जगह जो है इसकी डिमांड है, तो हम सीसीटीवी रिपेयरिंग का कोर्सेज जो है यहाँ पे कराते हैं, जो कि बेसिक चाहे वो डोम कैमरा हो या बुलेट कैमरा हो या सीसीटीवी कैमरा हो या हर एक आईपी कैमरा पे कंप्लीट जो है इसमें हम ट्रेनिंग देते हैं कि आप एक छोटा सा बिजनेस, जैसे अगर आपके पास बजट नहीं है तो ये बिल्कुल छोटा सा मतलब 10 से 15 दिन में आप ये कोर्स करके आप अपना एक बिजनेस
स्टार्ट कर सकते हैं 10,000 से 20,000 के अंदर में। रही बात जो है जॉब की, इसमें इतनी ज़्यादा डिमांड है कि हमारे पास कम से कम 10 से 15 हमेशा रिक्वायरमेंट जो है वो सीसीटीवी का आया रहता है, लेकिन हमारे पास उतने स्टूडेंट नहीं हो पाते हैं क्योंकि जो ये करता है वो अपना बिजनेस करता है। अच्छा, तो मैं समझ गया इसका मतलब, अगर जो भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर वो चाह रहे हैं कि मैं कोर्स के दौरान ही अगर मुझे कंप्लीट होती मेरे को जॉब मिल जाए तो वो भी प्रोवाइड 100%। इसमें तो एकदम 100% जो है जॉब जो है 10 से 12 हज़ार स्टार्टिंग जो सैलरी होती है इसमें वो सर के लिए लग जाती है। ओके, चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है। तो सर इसके अंदर आपने हमें इतनी अच्छी जानकारी दी, सारे के सारे कैमरे इसके अंदर कवर हो जाते हैं, तो इसी तरह से मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इसी तरह से आपकी नेक्स्ट क्लास और देखना चाहेंगे हमारे भाई जो इस वीडियो को देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो गाइस मैं अब आपको लेकर आया हूँ थर्ड क्लास में। आप मेरे हाथ में देख रहे होंगे इतने बड़े बड़े मदरबोर्ड, किसी मोबाइल में तो लगेंगे नहीं। तो चलिए सर से पता करते हैं कि आखिर ये है तो किस चीज़ की क्लास है। तो सर बता सकते हैं ये किस चीज़ की क्लास? सर ये कंप्यूटर जो डेस्कटॉप होता है उसका मदरबोर्ड है। ओके, तो यहाँ पे जो क्लासेस होती है जैसे कि ये लैब आप देख सकते हैं जो हमारे स्टूडेंट जो कर रहे हैं, तो ये डेस्कटॉप का लैब है और डेस्कटॉप की यहाँ पे क्लासेस होती है। क्योंकि आज का टाइम भी है कि घर घर के अंदर कंप्यूटर लगे हुए, आपने देखा होगा आखिर ऑनलाइन क्लासेस वगैरह के लिए भी आजकल कंप्यूटर वगैरह की काफ़ी ज़रूरत पड़ती रहती है। तो उस चीज़ को देखते हुए अगर आप ये कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो सर ये कितने टाइमिंग का कोर्स रहने वाला है? लगभग ये भी जैसे लैपटॉप का जो हमारा 1 मंथ या 45 डेज का क्लासेस था, ऐसे ये भी 1 मंथ में जो है प्रॉपर कम्प्लीट हो जाता है। ओके, लेकिन कंप्लीट होने से मतलब नहीं होता, जब तक रिपेयरिंग नहीं आता है तब तक हम क्लासेस कराते हैं, कोई एक्स्ट्रा कोई चार्ज नहीं लगता। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। इसके अंदर तो अगर आप थोड़े से अगर वीक भी महसूस कर रहे हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि एक महीने के अंदर जो दिमाग में एक प्रेशर रहता है कि यार एक महीने में नहीं हो पाया मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, तो वो भी आपको माइंड से निकाल दो। आप यहाँ पर एक महीने से ज़्यादा भी रह सकते हैं, जब तक आप अपने आप को अंदर से महसूस नहीं कर लेते कि हाँ मैं फुल सेटिस्फाई हूँ, तब तक आप मतलब कंटिन्यू आप क्लास इसी तरह से लेते रह सकते हैं। तो चलिए इसी तरह से जैसे ये थर्ड क्लास देखी थी हमने, इसी तरह से हम फोर्थ क्लास में चलते हैं, देखते हैं कि वहाँ पर हमें देखने के लिए क्या मिलता है। तो गाइस अभी तक आपने देखा हम थर्ड क्लास के अंदर थे, अब ये हम आ चुके हैं फोर्थ क्लास के अंदर। तो चलिए सर से जानते हैं कि ये किस चीज़ की क्लास है। तो सर हमें इस क्लास के बारे में बताइए। सर ये जो है मोबाइल का जो क्लासेस होता है जी, जो कि कंप्लीट हम बेसिक से एडवांस जो रिपेयरिंग सिखाते हैं लगे होते हैं, उसकी आइडेंटिफिकेशन, उसकी टेस्टिंग हो गया, प्लस निकालने लगाने का, सोल्डरिंग का जो बेसिक क्लासेस होता है वो यहाँ पे क्लासेस होते हैं। तो ये कितने टाइमिंग का कोर्स रहता है सर? लगभग ये जो कोर्सेस होता है वो 1 महीने का चलता है प्रॉपर। ओके, ये गाइस 1 महीने के आसपास का कोर्स रहने वाला है। इसके अंदर फिर भी अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो मैंने फुल जानकारी वैसे डिस्क्रिप्शन में भी डाली हुई है, बाकी आप कॉल के ऊपर भी बात करके इनसे पता कर सकते हैं। बाकी ये था फोर्थ क्लास। इसमें जो मोबाइल में जो सर इसमें 3 सेक्शन है, जैसे बेसिक हो गया, उसके बाद से ट्रेसिंग होगा, फिर सॉफ्टवेयर के जो क्लासेस होती है। तो 3 डिवाइड मतलब 3 महीने का कोर्स है, 1 महीना जो है वो बेसिक से वो सोल्डरिंग डिसोल्डरिंग हो गया बेसिक कंपोनेंट के बारे में, 1 महीना ट्रेसिंग और 1 महीना सॉफ्टवेयर की क्लासेस जो है इसमें हम कराते हैं। तो गाइज इसी तरह से जैसे आपने यहाँ पर देखा, इसी तरह से हम चलते हैं फिफ्थ क्लास के अंदर, देखते हैं कि हमें वहाँ पर देखने के लिए क्या मिलता है और वो किस चीज़ की क्लास है। तो गाइज वीडियो पर आप इसी तरह बने रहे, अभी तक मैंने आपको 5 क्लास दिखा चुका हूँ, ये मैं लेकर आया हूँ मल्टी टेक इंस्टीट्यूट के अंदर 6 क्लास के अंदर। यहाँ पर क्या क्या चीज़ें सिखाई जाती हैं चलिए वो हम सर से पता करते हैं। तो सर ये किस चीज़ की क्लास हैं? सर ये जो है यहाँ पे स्मार्ट टीवी, ओके, जो टीवी रिपेयरिंग का जो क्लासेस है एलसीडी एलईडी टीवी का, तो यहाँ पे ये क्लासेस चलता है सब जो है वो टीवी का, मतलब जो भी स्मार्ट टीवी की एलईडी ओ एलईडी स्मार्ट या एंड्रॉयड जो टीवी है इनकी कंप्लीट जो है वो रिपेयरिंग यहाँ पर हम सिखाते हैं। ओके, तो गाइज अगर आप सोच रहे हैं कि स्मार्ट टीवी के अंदर जाने के लिए सोच रहे हैं कि हम यार कोई स्मार्ट टीवी का सीख लें इंजीनियर बन जाए, तो आपको इंजीनियर यहाँ पर बन भी सकते हैं। और उसके साथ साथ जो हमारे पास सीआरटी टीवी रिपेयर करते हैं वो अगर अपग्रेड होना चाहते हैं, एलईडी टीवी वगैरह के अंदर आना चाहते हैं, तो वो भी यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो सर ये एलईडी टीवी का क्लास कितने टाइमिंग का होता है? लगभग ये 1 मंथ का होता है सर। 1 मंथ का होता है बिल्कुल, और 1 मंथ में 100% जो है परफेक्शन के साथ अगर कोई भी स्टूडेंट अगर वीक भी है तो ईजिली सीख जाता है। बिल्कुल सर। तो गाइज ये जो क्लास रहने वाली है 1 मंथ की क्लास रहने वाली है, अभी तक मैं आपको यहाँ पर 6 क्लास दिखा चुका हूँ, 6 के बाद अब 7th भी क्लास जो है वो किस चीज़ की क्लास रहने वाली है एक्चुअली मुझे भी नहीं पता और आपको भी नहीं पता। तो चलिए फटाफट से वीडियो पर रहिए आप, हम चलते हैं 7th क्लास के अंदर। तो गाइज ये जो क्लास है ये मैं लेकर आया हूँ आपको 7th क्लास के अंदर, ये 7th क्लास किस चीज़ की है ये चलिए सर से ही जानते हैं। सर यहाँ पर क्या चीज़ सिखाते हैं? ये प्रिंटर का क्लासेस है। ओके, जैसे कि आप देखेंगे कि हर एक टाइप का जो भी प्रिंटर है, ऑटोमेट्रिक हो गया, इंकजेट हो गया, लेजर
गजट जेट हो गया, प्लस टैंक वाले जो प्रिंटर होते हैं इनकी कंप्लीट रिपेयरिंग जो है वो सिखाते हैं, चाहे वो इंक रिपलिंग हो, कार्ट्रिज रिपलिंग हो, सब कुछ इसमें कवर होता है। तो सर ये कितने टाइमिंग का कोर्स है? ये भी 1 मंथ का कोर्स है। ये भी 1 मंथ का कोर्स रहता है, लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूँ कि वो मंथ से हमें मतलब नहीं होता है। स्टूडेंट को जब तक क्लियर नहीं होता है हम कराते हैं, कोई एक्स्ट्रा चार्ज इसमें नहीं लगता। तो एक छोटी सी बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ, सपोज मेरा माइंड बहुत ज्यादा तेज है तो हो सकता है क्या बताऊँ मैं 25 डेज में यहाँ से चला जाऊँ, और हो सकता है क्या बताऊँ मेरा माइंड थोड़ा सा वीक है तो हो सकता है क्या बता मेरे को 35 डेज भी यहाँ पर लग सकते हैं। ऐसे नहीं है, जो आपको बोला गया कि 1 मंथ 30 दिन की बात बोली गई है वो थोड़े बहुत अगर ज्यादा भी होते हैं तो आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है कि सर आपका कोर्स पूरा हो चुका है आप यहाँ से जाइए। आप जब तक अपनी मर्जी से खुद नहीं बोल देते कि हाँ मैं सेटिस्फाई हूँ तब तक आप यहाँ पर ऑनलाइन मतलब ऑफलाइन क्लास लेते रहेंगे। तो इसी तरह से जैसे अभी आपने देखा ये मैं आपको लेकर आया था 7वीं क्लास के अंदर, इसी तरह से अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, देखते हैं यहाँ पर कितनी सारी क्लासें और बची हैं, उसके लिए आप वीडियो पर बने रहें। तो गाइस फिर मैं आपको लेकर आ गया हूँ नेक्स्ट क्लास के अंदर, ये है हमारी 8वीं क्लास और यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर किस चीज़ की क्लास। तो सर यहाँ पर किस चीज़ की क्लास लगती है? सर यहाँ पे जो है हमने एसी का जो कोर्सेज जो है वो मैंने बताया कि न्यू लॉन्च किए हैं, तो यहाँ पे एसी की जो है कंप्लीट रिपेयरिंग का हम क्लासेस कराते हैं, जहाँ पे हम मैकेनिकल और पीसीबी दोनों रिपेयरिंग की जो है वो क्लासेस इसमें कराते हैं। इन्वर्टर नॉन इन्वर्टर स्प्लिट एसी हो गया विंडो एसी हो गया कंप्लीट यहाँ पे होता है, जैसे कि आप देखेंगे हर एक टाइप के जो भी टूल्स है यहाँ पे जो भी जो एसी है उनका कंप्लीट यहाँ पे रिपेयरिंग हम सिखाते हैं। सर फिर मैं आपसे यही छोटा सा सवाल रहेगा कितने टाइमिंग का कोर्स रहता है सर? देखिए सर इसमें 2 कोर्सेस है, एक मैकेनिकल हो गया एक पीसीबी इन्वर्टर पीसीबी का जो हो गया, तो इन्वर्टर जो पीसीबी है या नॉन इन्वर्टर जो पीसीबी रिपेयरिंग करते हैं उनका 1 मंथ का कोर्स होता है, और मैकेनिकल अगर कोई करता है तो उसका भी 1 मंथ, दोनों मिला के 2 मंथ में कम्प्लीट होता है। तो गाइस दोनों मिला के 2 मंथ में कंप्लीट हो जाता है ये, बाकी आपके अंदर अगर माइंड अच्छा है तो आप और जल्दी इसको मतलब गेन कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर इन्वर्टर जो आजकल जो चल रही है नई टेक्नोलॉजी इन्वर्टर टेक्नोलॉजी चल रही है उसका भी अगर आप कोर्स के लिए आते हैं तो वो भी यहाँ पर आपका हो जाएगा। तो ये थी हमारी 8वीं क्लास, इसी तरह से देखते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास कौन सी रहने वाली है, चलिए हम उसमें चलते हैं। तो गाइस उसी तरह से हम अब आ गए 9वीं क्लास के अंदर, यहाँ पर मैं जैसे कि देख पा रहा हूँ इस क्लास के अंदर माइक्रोस्कोप वगैरह भी यहाँ पर लगे हुए हैं। तो चलिए सर से जानते हैं कि किस चीज़ की क्लास है। तो सर ये किस चीज़ की क्लास है आपकी? सर ये मोबाइल का जो EMMC जो एडवांस लेवल की जो ट्रेनिंग का क्लासेस है वो यहाँ पे हम कराते हैं। ओके जो EMMC जो चिप होता है उसके बारे में और डबल टेकर CPU जो होता है उसकी कंप्लीट जो है मतलब रिपेयरिंग का जो है वो यहाँ पे हम कराते हैं। तो गाइस अगर आप मोबाइल लाइन के अंदर आने के लिए सोच रहे हैं, अगर आप बेसिक कोर्स करने के लिए सोच रहे हैं तो वो भी यहां से आप कर सकते हैं, अगर आप एडवांस लेवल में सोच रहे हैं कोर्स करने के लिए तो वो भी यहां पे आप कर सकते हैं। बाकी नॉलेज वाली बात है तो नॉलेज आपको हर तरह की मिलने वाली है। अगर आप सोच रहे हैं कि मेरे को टूल्स किस टाइप के मिलने वाले हैं तो यहां पर आपको माइक्रोस्कोप से रिलेटेड जो भी टूल्स होते हैं वो भी कोर्स के दौरान आपको मिलने वाले हैं। तो ये जो थी हमारी 9वीं क्लास थी, 9वीं के बाद अब चलते हैं 10वीं क्लास के अंदर, देखते हैं कि वहां पर हमें देखने के लिए क्या मिलता है। ये जो क्लास रहने वाली है, ये जो क्लास रहने वाली है 10 क्लास के अंदर मैं लेकर आ गया हूं। 10वीं क्लास में आपको दिखा रहा हूं मल्टीटेक इंस्टीट्यूट के अंदर, जो कि अलग अलग लेवल पर यहां पर आपको नॉलेज मिलने वाली है। तो सर इसके बारे में बताइए ये किस चीज़ की क्लास है? सर ये जो है वो कंप्लीट मोबाइल सॉफ्टवेयर की क्लासेस है। ओके जहाँ पे जैसे हमने बेसिक क्लासेस देखा जी, उसके बाद हमने ट्रेसिंग क्लासेस देखा, अब ये जो क्लासेस है ये कंप्लीट सॉफ्टवेयर का है सर है, जो कि सॉफ्टवेयर की जो है वो क्लासेस लेते हैं जी। वालेकुम सलाम। तो गाइस अगर आप सोच रहे हैं कि आप अगर हार्डवेयर का आप पहले से काम करते हैं, अगर आपका सॉफ्टवेयर नहीं कर पाते या आप सोच रहे हैं कि मेरे को खाली सॉफ्टवेयर की भी क्लास मिल जाए, तो सर खाली सॉफ्टवेयर भी पॉसिबल? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अगर कोई कहता है कि हमें सॉफ्टवेयर की चाहिए तो सॉफ्टवेयर की ले सकते हैं, ओनली EMMC करना तो वो भी ले सकते हैं, ओनली ट्रेसिंग का करना है तो वो भी स्पेशल वो क्लासेस ले सकते हैं। बिल्कुल। तो गाइस यहाँ पे क्लासेस की कोई कमी नहीं रहने वाली, ऐसे नहीं है कि एक छोटा सा स्पेस हो वहाँ पर आपको क्लासेस मतलब एक के बाद दूसरी मिलती रहे, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर हर क्लास मैंने देखी है अलग तरह से बनाई गई है। तो इसके बाद कितनी क्लास बचती हैं चलिए मैं उसमें भी लेकर चलता हूँ, और ये मेरी हमारे चैनल पर एक फर्स्ट वीडियो रहने वाली है जिसके अंदर इतनी सारी क्लासेस आपको दिखाई जा रही हैं। तो चलिए फटाफट से चलते हैं। तो गाइस हर बारी की तरह जैसे मैं आपको नई नई क्लासेस दिखा रहा हूँ तो उसी तरह से ये मैं आपको लेकर आया हूँ अब 11वीं क्लास के अंदर। तो सर से जानते हैं कि ये किस चीज़ की क्लास है आखिर? तो सर ये बताएंगे किस चीज़ की क्लास है? सर हमारे पास जो हमने बताया कि 10 से 12 जो भी कोर्सेस है जी, तो हमारे पास जो स्टूडेंट आते हैं 2 घंटे 4 घंटे के लिए 5 घंटे के लिए, तो क्लासेस जब कंप्लीट हो जाता है तो उनको एक्स्ट्रा टाइम में प्रैक्टिस करने के लिए कहीं ना कहीं स्पेस
होना चाहिए। तो हमारे पास जो है यहाँ पे स्पेस है जो कि वो प्रैक्टिस के लिए, जैसे क्लास खत्म हो गया तो यहाँ पे आके खुद से वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो लैपटॉप भी कर सकते हैं, मोबाइल भी कर सकते हैं, और LCD LED TV जो भी एक्स्ट्रा जो टाइम बचता है वो यहाँ पे आके वो प्रैक्टिस कर, उसके लिए क्लासेस है। बहुत अच्छा है। तो ये जो क्लास देख पा रहा हूँ ये मैंने अभी तक अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम देखा है जिसमें कि आपका अगर क्लास पूरी हो जाती है कंप्लीट होने के बाद भी आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि स्पेस के दिल्ली के अंदर बहुत प्रॉब्लम होती है, मगर इस इंस्टीट्यूट के अंदर क्लासेस की कोई कमी नहीं रहने वाली है। जितनी चाहे आप इतनी क्लासेस यहाँ पर ले सकते हैं। तो गाइस हर बारी की तरह हम क्लासेस देखते हुए आ रहे हैं यहाँ पर। अब हम जो आए यहाँ पर 11वीं क्लास के अंदर आए, और 11वीं क्लास के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा टूल्स वगैरह दिख रहे होंगे। तो सर इस क्लास के बारे में क्या बताइए, क्या चीज़ है ये? सर यहाँ पे कोर्स करने से ये बेनिफिट है कि यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट कोर्स करता है, चाहे वो किसी भी, चाहे मोबाइल लैपटॉप या कोई भी कोर्सेज कर रहा हो, अगर उसको प्रैक्टिस करने के लिए टूल्स की रिक्वायरमेंट है तो वो मार्केट में इधर उधर जाता है, उसको सही टूल्स नहीं मिलते या रेट ज़्यादा लगते हैं। बिल्कुल सर। तो हम अपने स्टूडेंट के लिए जो है यहाँ पे हर एक टाइप का टूल्स हम रखते हैं जो कि हमारे स्टूडेंट जो है ले जाके वो खुद प्रैक्टिस करते हैं, तो उनको इधर उधर घूमने की या ढूंढने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बिल्कुल हाँ। तो कोर्स के दौरान देखो आपके पास एक एक सेकंड कीमती होता है कि आप इधर उधर मार्केटिंग में जाएंगे, तो मार्केटिंग करने जाएंगे तो आपके उसके अंदर टाइम भी खर्च होगा, उस बीच में अगर आप अपनी कोर्स के ऊपर और ज़्यादा मेहनत करेंगे तो आपका जो कोर्स है वो और ज़्यादा आगे आपको लेकर जाएगा। तो फटाफट से यहाँ पर आपको कोर्स के दौरान अगर आपको किसी टूल्स की भी ज़रूरत पड़ती है तो वो भी आप इंस्टीट्यूट के अंदर से ले सकते हैं। तो ये थी हमारी 11वीं क्लास। 11वीं के बाद अब आगे चलते हैं कि 12वीं क्लास हमें किस चीज़ की मिलने वाली है, आप इस वीडियो पर बने रहें। तो गाइस उसी तरह से अब हम यहाँ पे 12वीं क्लास के अंदर आए, चलिए देखते हैं कि यहाँ पर हमें देखने के लिए क्या मिलता है। सर यहाँ तो क्लास में मैं देख रहा हूँ बिल्कुल अलग चीज़ें दिख रही हैं। बिल्कुल सर, ये अलग चीज़ है भी, क्योंकि आजकल की जो डिमांड है जी सर, मार्केट में आपको पता है कि पेट्रोल डीजल का दाम इतना ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। बिल्कुल। तो बैटरी से चलने वाला डिवाइस जैसे कि ई साइकिल हो गया, ई बाइक हो गया, ई कार हो गया, ई रिक्शा आप मार्केट में देख रहे हैं, तो उसके अंदर जो कंट्रोलर चार्जर मोटर वायरिंग जो लगा होता है उनकी कंप्लीट जो हम रिपेयरिंग सिखाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी चार्जर रखा है, ये पीछे आपके कंट्रोलर रखा है, तो इसकी जो डिमांड है ना मार्केट में इतनी ज़्यादा है कि आने वाले टाइम में सब ई व्हीकल पे ही जा रहा है। ओके ठीक है। तो ये कोर्सेस लगभग जो है 1 मंथ का होता है जिसमें हम ये कंप्लीट जो है रिपेयरिंग जो है वो सिखाते हैं। ओके। तो गाइज अगर आप सोच रहे हैं कि आज के आने वाले टाइम में अगर आप सोच रहे हैं कुछ टेक्नीशियन बनने के लिए, तो ई रिक्शा वगैरह या होता है जैसे स्कूटी आजकल इलेक्ट्रिक वाली आ रही है, बहुत ज़्यादा उनका स्कोप आने वाले टाइम में बढ़ने वाला है, तो आप इस क्लास के अंदर आना चाहते हैं तो वो भी आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी 1 मंथ के अंदर आपका कोर्स हो जाता है। अगर आपको लगता है कि मेरा 1 मंथ में कोर्स नहीं होता किसी वजह से, 3-4 दिन 5 दिन अगर ऊपर भी होते हैं तो उसमें भी कोई आपको एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ता। तो ये मैं लेकर आया था आपको 12वीं क्लास के अंदर मल्टीटेक इंस्टीट्यूट के अंदर। अब हमारी आगे कितनी क्लास बचती हैं चलिए। तो भाई ये जो क्लास रहने वाली है ये 13वीं क्लास रहने वाली है, अगर हिंदी की बात करें तो ये 13वीं क्लास रहने वाली है जो कि मल्टीटेक इंस्टीट्यूट के अंदर मैं आपको दिखा रहा हूँ। आखिर ये क्लास है तो किस चीज़ की है सर, बताएंगे हमारे भाइयों को ये किस चीज़ की क्लास है? सर ये जो है वो कंप्लीट जो है वो बेसिक कंपोनेंट का है। ओके। कंपोनेंट का मतलब जैसे कि अगर हम स्टार्टिंग में जो भी एडमिशन होता है तो उनको मल्टीमीटर का यूज नहीं पता होता है। बिल्कुल। या बोर्ड के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट लगे होते हैं, उस कंपोनेंट को हमें कैसे चेक करना है, उसकी वर्किंग क्या है, उसको कैसे कंप्लीट जो है उसका नॉलेज यहाँ पर हम देते हैं। और यहाँ पर मतलब बेसिक रजिस्टर, कैपेसिटर, डायोड, मॉस्फेट, IC, क्रिस्टल, फ्यूज, थर्मिस्टर, ये जितने भी कंपोनेंट होता है इसको कैसे चेक करना है, कैसे निकालना, कैसे लगाना है, और प्रॉपर बोर्ड पे जो है एक्सप्लेन करके टेस्टिंग प्रॉपर यहाँ पे कराया जाता है। देन उसके बाद से वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं लैपटॉप के या डेस्कटॉप में या LCD में या अलग अलग लैब। तो सर इस क्लास को देख के मेरे मन में एक सवाल आया छोटा सा, अगर कोई भाई इस वीडियो को देख रहे हैं जो घर पे बैठे हुए हैं बिल्कुल फ्रेशर हैं, अगर वो डेमो के लिए आना चाहते हैं तो क्या पॉसिबल रहता है क्या? 100% हमारे पास तो ये ऑप्शन है कि डेमो तो हम देते ही हैं। okay. हम डायरेक्टली रनिंग क्लास में बैठाते हैं। okay. रनिंग का मतलब होता है कि जो ऑलरेडी 1-2 महीने से जो स्टूडेंट कर रहे हैं उनके साथ बैठा देते हैं। okay. कि आप उनसे फीडबैक लीजिए कि यहाँ पे क्लासेस कैसे चलता है। ठीक okay. है, किसी स्टूडेंट को कोई लगता है कि हाँ हमें डाउट है, हम कहते हैं कि जितने भी स्टूडेंट है किसी भी स्टूडेंट को इंस्टीट्यूट से 5-10 मिनट इंस्टीट्यूट से बाहर ले जाएं, उनसे फीडबैक लें कि वो यहाँ पे क्लासेस कैसे होती है, क्या प्रैक्टिकली सब कुछ कराया जाता है या नहीं। अगर लगता है कि हाँ सब जेन्युइन है तभी यहाँ पे एडमिशन लेना होता है।
तो सर जितना आपने ट्रांसपेरेंसी के अंदर बताया कि आप फीडबैक के लिए आप स्टूडेंट से बात करने देते हैं या स्टूडेंट को बाहर जाने का भी मौका देते हैं बिल्कुल, तो इस तरह से तो मुझे नहीं लगता कि आपको इंडिया में कोई और इंस्टीट्यूट इस टाइप से कोई दिखाएगा, क्योंकि वो अक्सर ऐसा होता है जो बैच चल रहा होता है वहाँ पर उस बैच के स्टूडेंट को नए स्टूडेंट से नहीं मिलने दिया जाता। अब ये मेरे को नहीं मालूम कि किस लिए नहीं मिलने दिया जाता, बाकी अक्सर यही होता है मार्केट के अंदर। बाकी ये जो मैंने अभी आपको दिखाई है 13वीं क्लास दिखाई है, अगर आप फ्रेशर हैं इस क्लास के अंदर आकर आप बैठ सकते हैं, आपकी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, यहाँ पर 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए बैठेंगे, तो आपको जिस लाइन में आपको जाना है फिर आप उस लाइन में इजीली जा सकते हैं। तो चलिए इसके बाद हम देखते हैं हमारी अब कौन सी क्लास बचती है। तो गाइस अब मैं आपको मल्टीटेक इंस्टीट्यूट के अंदर 14 क्लास के अंदर लेकर आया हूँ। चलिए यहाँ पे जानते हैं कि यहाँ पर आखिर होता क्या है, क्योंकि यहाँ पर मैं काफी सारे लैपटॉप तो रखे हुए देख भी रहा हूँ और लैपटॉप के साथ स्टूडेंट भी यहाँ पर है। सर ये किस चीज़ की क्लास है यहाँ पर? सर यहाँ पे जो क्लासेस होती है वो कार्ड लेवल की, जैसे कंप्यूटर लैपटॉप के जो चिप लेवल रिपेयरिंग नहीं करना चाहते हैं या चिप लेवल करना चाहते हैं लेकिन बिल्कुल फ्रेशर हैं, तो वो कार्ड लेवल कोर्स। कार्ड लेवल में हम ये बताते हैं पूरा कंप्लीट बेसिक से मतलब कि अगर अननोन जो नया इस फील्ड में आते हैं तो उनको कुछ नहीं पता होता कि विंडो कैसे इंस्टॉल करना होता है, कंप्यूटर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कैसे असेंबलिंग करना होता है, तो ये कम्प्लीटली जो है जैसे पेन ड्राइव से विंडो कैसे डालना, सिस्टम में पासवर्ड लग गया तो उसको कैसे ब्रेक करना, डेटा रिकवर कैसे करना, प्लस बेसिक नेटवर्किंग के जो क्लासेस है वो यहाँ पे हम कार्ड लेवल में कराते हैं। प्लस हमारा जो है यहाँ पे अलग अलग जो भी आप लैपटॉप की अगर बात करें, ओल्ड लैपटॉप की, सेकेंड हैंड लैपटॉप की, तो वो भी जो है यहाँ पे वो सेलिंग जो है वो होता है, हमारे जो स्टूडेंट होते हैं या बाहर से भी जिनको लेना होता है वो आके लेते हैं। तो ये जो आपने क्लास बताई सर, ये कितने टाइमिंग की होती है? ये भी 1 मंथ का होता है। ये भी 1 मंथ की क्लासेस होती है, और 1 मंथ से अगर थोड़ा सा कोई अगर, हाँ वो मैं हर वीडियो में बता रहा हूँ कि इसमें क्या होता है कि मंथ से तो होता ही नहीं है कि अगर 10 दिन में कंप्लीट हो जाता है या लगता है कि 1 मंथ में नहीं हो, हमें 1 महीना या 2 महीना और एक्स्ट्रा करना है, तो वो कर सकते हैं। बिल्कुल, तो भाई जिसके अंदर कोई भी प्रेशर नहीं है आपके अंदर कि आप माइंड में मेकअप करके आए यार मेरा 1 महीने में नहीं हुआ तो क्या मैं घर की टिकट करा लूँ, ऐसा कुछ भी नहीं रहने वाला। जब तक आपका कोर्स कंप्लीट नहीं होता, जब तक आप अंदर से सेटिस्फाई नहीं होते, तब तक आप कंटिन्यू कर सकते हैं। पेन ड्राइव को बूटेबल कैसे बनाते हैं वो सर बता रहे हैं कि इसको हमें बूटेबल कैसे बनाना होता है। जी सर, तो गाइस चलिए इसी तरह से जैसे अभी हमने यहाँ पे 14 क्लास देखी, अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, देखते हैं और देखने के लिए क्या मिलने वाला है। यार पहली बार हुआ है जो कि मैं इतनी सारी आपको क्लासेस दिखा पा रहा हूँ अपने चैनल पर एक ही जगह के अंदर, नहीं तो इतनी क्लासेस कवर करने के लिए तो 2-3 इंस्टीट्यूट कवर करने पड़ते हैं तब जाकर इतनी सारी क्लासेस हो पाती हैं। तो गाइस जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ मेरे पीछे भी काफ़ी सारी मशीनें रखी हुई हैं, आखिर ये किस यूज़ में आने वाली है? चलिए सर से ही हम जानते हैं। सर बताएंगे ये किस यूज़ के लिए मशीनें रखी हुई हैं? सर ये जो है वो ये अल्ट्रासोनिक मशीन है और खुद हमारा MT टूल्स मतलब मल्टीटेक ये हमने खुद बनाया है इसको, ठीक है। और ये जो मशीन है यहाँ पे लिखा है हॉट एयर ऑन, मतलब ये ऑन जो होता है, और इसका जो अल्ट्रासोनिक की अगर हम बात करें तो इसका जो यूज होता है कि हम जितने भी कोर्सेज कराते हैं इसमें जो भी बोर्ड होता है चाहे वो मदरबोर्ड की बात करें, तो उसमें क्या होता है कि कुछ दिन चलने के बाद ना मॉइस्चर आ जाता है बोर्ड के अंदर, या बहुत सारे ऐसे दिक्कतें आती है कि बोर्ड में हम सब सप्लाई चेक कर रहे हैं, सब कुछ ओके है, फिर भी कभी ऑन होता है कभी ऑन नहीं होता है, चाहे वो मोबाइल की बात करें, लैपटॉप की बात करें, टीवी की बात करें, तो सब सिग्नल ओके होने पर भी बोर्ड में दिक्कत आती है, तो उस कंडीशन में हम या बोर्ड में बिल्कुल IC के अंदर जो है वो कार्बन लग गया है या डस्ट आ गया है, तो हम इस ऑन मशीन के द्वारा जो है हम उसको क्या कर सकते हैं, प्रॉपर क्लीन कर सकते हैं और एक फिक्स टेम्परेचर पे इसको हीट कर सकते हैं। ये करने के बाद जो है फिर इस मशीन का जो यूज होता है, अगर ये मशीन नहीं है तो हम SMD मशीन से प्रॉपर बोर्ड को हीट करते हैं, लेकिन उससे वो हीट प्रॉपर नहीं हो पाता। लेकिन ये हॉट एयर ऑन जो मशीन है, इस मशीन ये भी हमारा MT टूल्स का मल्टीटेक का है, और इसमें हम फिक्स जो है एक फिक्स टेम्परेचर पर करके इसके अंदर जो है डाल के हम इसको बोर्ड को हीट कर सकते हैं। बिल्कुल सर, हाँ जैसे आपने सही बताया SMD जो होती है हमारे कहीं पे टेम्परेचर 19 कम भी हो सकता है कहीं ज़्यादा भी हो सकता है, इसके अंदर रखेंगे हम तो हमारा सेम टेम्परेचर होने वाला है, जो भी हमारे जो ड्राई हो जाते हैं मतलब उसको भी अच्छे से मतलब रीसोल्ड हम दोबारा से कर सकते हैं। बाकी ये जो मशीन है काफ़ी अच्छी मशीन लगी और मार्केट के अंदर इतनी बड़ी मशीन तो नहीं मिलने वाली। अल्ट्रासोनिक क्लीनर की तो मैंने भी वीडियो काफ़ी बना रखी है, छोटे छोटे से मैंने आपको कई बार दिखाए, मगर ये वाला इतना बड़ा अल्ट्रासोनिक क्लीनर मैंने नहीं देखा था, फर्स्ट टाइम मैं भी देख पा रहा हूँ। तो चलिए आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करें, या जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह से नई नई वीडियो लेकर आता रहूँगा।